मेरे इस फेसबुक पेज पर फेसबुक के द्वारा कुछ लिमिटेशन लगा दी गई है कि आप पोस्ट नहीं कर सकते हो। अभी मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आगाज होने जा रहा है, उस आंदोलन को देखते हुए, उस आंदोलन की पड़ती हुई पोस्ट को देखते हुए इस फेसबुक ने क्या किया है, जितने भी राष्ट्रवादी भाई लोग उस पोस्ट को डाल रहे थे मैक्सिमम लोगों के पेज पर, इसने लिमिट लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन आप सभी से एक बात मैं कहना चाहता हूं, देश के हित में है और देश की लड़ाई आपको भी लड़नी पड़ेगी, मुझे भी लड़नी पड़ेगी, माननीय अश्विनी उपाध्याय जी को भी लड़नी पड़ेगी। माननीय अश्विनी उपाध्याय जी ने जिस आंदोलन की शुरुआत की है, इस आंदोलन से व्यक्ति विशेष का लेना नहीं, इस आंदोलन से देश का लेना है, धर्म का लेना है। और आपसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि धर्म की लड़ाई में किसी को न्योते नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद समर्थन में आ जाते हैं। हिंदुस्तान में कोई नारे पाकिस्तान का लगाता है वो देशद्रोही, उस पर आंसू का लगे उसको उठा के अंदर डाल दो। मैं कहता हूँ इनकाउंटर कर दो साले का, क्योंकि जो देश का माहौल ही खराब कर रहा है वो किसी भी धर्म को, और धर्म और मजहब और जात को देख के अगर इंसाफ करोगे तो वो बिल्कुल इंसाफ नहीं है, वो एक किस्म का ये मान के चलिए एक धर्म को टारगेट करने वाली बात है। धर्म को देख के नहीं, जो देश का नहीं वो किसी का नहीं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मजहब को। मगर प्रधानमंत्री जी, एक आपसे अपील ये है कि ऐसे नालायक उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो जो आपको और आपकी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। ये वो मच्छर है ना, इन पर सिर्फ दवा डालने की, स्प्रे करा दो। अगर इन मच्छरों पे आपने स्प्रे नहीं कराया ना, तो ये आपकी पार्टी की ही पलेटिकम कर देंगे, जिसे कहते हैं डेंगू। कहते हैं डेंगू हो गया, पलेटिकम हो रही है, ये आपकी बीजेपी की पलेटिकम कर देंगे। ये वो मच्छर पैदा होगा, इन पर जितनी जल्दी हो सके दवा छिड़कवा दो ताकि ये ख़त्म हो जाए। और ऐसे लोग आप हायर करो, ऐसे लोगों को खड़ा करो जो सर्व धर्मों को सम्मान करे, सबको साथ में लेकर चले। 2014 के बाद में जो गंदगी शुरू हुई है इसको आप सफाई कर दो। हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, मगर आपके नीचे जो आपने कंजड़ भर रखे ना, इनको ख़त्म कर दो। जो भाइयात बात करते हैं, कांग्रेस को इसी नहीं फेंका गया था ताकि अच्छा नेता देश को लेकर चले। आप अच्छे हो, आपको अच्छी सीटों के साथ में इस देश ने बहुमत दी और आगे भी देगी, मगर ऐसे कंजड़ों को साथ में लेके चलोगे तो बिल्कुल 0/0 रह जाना, कुछ नहीं होना है, सिर्फ वही होना जो पश्चिम बंगाल में हुआ। ऐसी जो गंद आपके पार्टी के अंदर भरी हुई है, ऐसी गंदी सोच वाले जो भरे हुए, इनको बाइकाट करो। और इनको तो मतलब ये कि पार्टी के अंदर मुंह दिखाने लायक ही ना छोड़ना चाहिए, जो साले देश का और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री की छवि ख़राब करते हो। बात जो है वो कहना ये चाह रहे हैं हम कि अश्विनी उपाध्याय जी जो आज के वक्त में अभी नए सितारे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के समर्थक भी रहे हैं और अच्छी स्पीच देते हैं वो जनसभाओं में जाके, मगर अश्विनी उपाध्याय जी से मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अश्विनी उपाध्याय जी अगर कोई मान लीजिए टाटा कंपनी का एम्प्लॉयज़ है और वो टाटा कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर है और उसको टाटा कंपनी की जो अच्छी हाई लेवल पोस्ट के सर हैं वो सपोर्ट भी करते हैं, उनके साथ में फ़ोटो भी खिंचवाते हो, तो आपको तो धरना प्रदर्शन यूनियन के साथ में बैठ के देने की ज़रूरत ही नहीं। कोई भी प्रस्ताव आपके नज़र आता जो कंपनी के हित में हो और उससे कंपनी के एम्प्लॉयज़ चाहे वो एक गार्ड से लेके और हाई पोस्ट तक का कोई भी वर्कर्स एम्प्लॉयज़ हो, उसको अगर फ़ायदा है और कंपनी को फ़ायदा है, तो वो कंपनी से आप डायरेक्टली मिलकर प्रस्ताव पास करा सकते हैं, उसके लिए धरना देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक उदाहरण, जैसे कि आपने जंतर मंतर पर एक धरना दिया जिसमें मुस्लिमों के अंगेंस्ट एक नारा लगा, फिर आपसे जब पूछा गया तो आपने कहा हमने तो ज़्यादा लोगों को इन्विटेशन नहीं दिया था और आह्वान नहीं किया था आने के लिए, मगर अब इस बीच आके कौन लोग वहाँ पर देश विरोधी और मतलब एक समाज के विरुद्ध नारा लगा के चले गए, हमें पता नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ एक एजेंडा चला रहे हो जिसमें सिर्फ पार्टी को फ़ायदा, और पार्टी को फ़ायदा नहीं होता, बीजेपी को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2021 के स्टार्ट में जब दूसरी लहर आई थी तो उसमें जो महामारी फैली थी कोरोना के द्वारा, जिसमें कुछ ऐसे परिवार थे जिनका चिराग भी नहीं रहा, कुछ ऐसे बच्चे जिनके माँ बापों का साया उनके सर से ख़त्म हो गया, कुछ ऐसे परिवार
जिनके घर में एक ही लड़का था और वो भी उनके हाथ से चला गया, तो छवि तो ख़राब हुई। अब छवि को आप सिर्फ एक जात पात में ला के अच्छा करना चाहते हैं तो ये बेकार है। आपको प्रस्ताव पास करना तो पहले आप हाईकमान से मिलिए, याचिका दायर की आपने, तो आप ये 2021 में ही आपको क्यों दिखा कि हमें ये 222 जो कानून है अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किए हुए, इसको ख़त्म करना है, क्यों दिखा आपको? क्यों 22 में इलेक्शन जो आ रहा है, मतलब ये नहीं। देखिए अश्विनी उपाध्याय जी, आपका सम्मान करते हैं और आपको दिल से मोहब्बत भी करते हैं, मगर देश के अंदर कोई भी एजेंडा चलाना तो वो चलाओ जिसमें सब धर्मों को एक साथ बांध के चलना हो, किसी एक धर्मों को नहीं लेके चलना। आपको सम्मान के साथ में इस देश का हर नागरिक प्यार करता है और आपको सपोर्ट भी करता है। आप जनसंख्या कानून लाइए, हम समर्थन करते हैं, मगर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो आपकी इन नीच हरकतों से।